तो हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने सुबह की शुरुआत कर दी है पानी से, यानी कि गर्म करने के लिए पानी मैंने रख दिया है। क्योंकि इतने समय मौसम इतना ख़राब है कि सभी लोग जो है गर्म पानी ही पी रहे हैं, बच्चे भी पी रहे हैं, हम लोग भी पी रहे हैं। मैंने कहा सुबह गर्म करके रख देंगे, क्योंकि थोड़ी देर ठंडा होने में भी तो लगता है, तो मैंने कहा अभी गर्म करके रख देंगे। बच्चे कभी भी उठ के तो पीने के लिए मांगते हैं, तो गर्म रहेगा तो यही वाला दे देंगे। और पानी गर्म करने के बाद मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि सुबह मैं पहले चाय पीती हूँ और फिर उसके बाद जो काम करना होता है वो करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। और आज सुबह से ही, मतलब सुबह क्या, 2-3 दिन से ही हो रही है और सुबह से बिल्कुल बारिश बंद नहीं, मतलब धीमी धीमी सी बारिश हो रही है, बूंदी बांदी, बस थोड़ी बहुत बारिश, मतलब थोड़ी थोड़ी जैसे बारिश होती है वैसे ही हो रही, लेकिन बंद नहीं हो रही कि बंद हो जाए थोड़ी भी देर के लिए, थोड़ी थोड़ी करके आती जा रही, जाती जा रही। 3 दिन हो गए, मौसम बिल्कुल नहीं साफ हुआ, धूप भी नहीं निकली। तो आप लोग को पता है, फिर जब धूप नहीं निकलती तो बहुत सारे काम पेंडिंग में रहते हैं, यानी कि जैसे कपड़े कपड़े तो हमेशा सूखते नहीं सही से, जब धूप नहीं निकलती। ऐसे धूप निकल जाती तो बहुत अच्छी तरह से सूख जाते हैं, नहीं तो फिर जैसे मशीन में भी सुखवा लो तो स्मेल जैसे आती रहती है, और जैसे धूप में सूख जाते तो फिर अच्छे हो जाते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी, जब धूप नहीं निकल रही है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी बच्चे खेल रहे हैं बाहर, मैं आप लोगों को ले चलती हूँ बच्चों के पास, देखते हैं खेल रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे बच्चे घर के बाहर, मतलब थोड़ी जगह ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन जितनी है खेलने के लिए तो बहुत है उतनी, तो उसी में खेलते रहते हैं। तो दोनों भाई बहन जो है यहीं पे खेलते रहते हैं, घर के बाहर या छत पे कहीं भी खेल लेते हैं। तो वही आज थोड़ा तबीयत ठीक है तो ये लोग खेल रहे हैं, और क्या करें बारिश में, कहाँ जाएँ, अपने ही घर में खेलेंगे और कहाँ जाएँगे, कहीं तो जाएँगे है नहीं। फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ चावल साफ़ करने, क्योंकि मेरे घर पे चावल ख़त्म हो गए हैं। हाँ, साफ़ किए हुए नहीं है, रखे हैं, तो मैं अभी जाती हूँ चावल साफ़ कर लेती हूँ। और फिर, और आज भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वो देख लीजिए मैच भी खेल रहा है, बहन के साथ खेल रहा है, तो वो चावल साफ़ कर लेती हूँ। सुबह भी शाम को भी हमें हर समय तो चावल, दोनों टाइम बच्चे खाते हैं और हमको भी पसंद है, हम लोग भी खाते हैं। तो अभी चावल साफ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा चावल मैंने मतलब गिरा लिए थे कि साफ़ करना है, लेकिन मौसम बहुत ख़राब था तो मैंने सोचा बाद में पंखे से बना लेंगे, मतलब पंखे से साफ़ कर लेंगे तो सही रहेगा। तो मैंने थोड़े ही, इतने सारे बस थोड़े ही बनाए हैं, क्योंकि बाद में जो है पंखे से साफ़ करेंगे तो ज़्यादा ही सही रहेगा, इसलिए मैंने आधे मतलब हटा दिए थे चावल। तो अभी देख लीजिए, यहाँ पे बच्चे जो है बना रहे हैं घर पे ही बर्गर, और जो है ऐसे जब ये वाली ब्रेड आती है तो ये लोग बना लेते हैं, जब होता है जैसे मन करता है उनका तो बना लेते हैं। तो यही जो है घर में जो सब्जी बनी थी उसी को मतलब उसमें डाल के फिर बना लेंगे, और बच्चे ही बना रहे थे। मैं रहती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बना के नहीं देती, लेकिन जो है शगुन है उसका मन करता है कि मैं कुछ इस तरह की चीज़ें बनाऊं, तो और मैं अगर बोलती हूँ कि लाओ मैं बना दूं तो नहीं, फिर वो कहती है नहीं मैं बना लूंगी, और पास में मैं रहती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रहती नहीं हूँ पास में। हम लोग का बन चुका है। अभी मैंने ना आलू अभी उबाले नहीं थे, बहुत जल्दी टाइम, मतलब हम लोग का ये ट्यूशन का है टाइम, आलू और सोया मेथी की हाँ, सब्जी। और हम लोग का ट्यूशन का टाइम होने वाला था, इसीलिए मैंने यही वाला आलू लेकर इसमें लगा दिया है। आपके पास कोई भी हो, बस आलू हो जरूर पका हुआ, तो वही मैं चारों पीस में पहले लगा देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। मैं अच्छे से, इसमें कुरकुरे हो गए हैं, देखिए आवाज़ आ रही है। मैं ही बना रही हूँ, ये मत सोचना कि मेरी मम्मा बना बना रही है, मैं भी बनाना, मेरा डिमांड है तो मैं बना रही हूँ। स्लाइस प्याज वो चार उसकी हैं भैया की, ठीक है। अरे इसमें का थोड़ा है, ये ऐसे करके ये तोड़ के लगा देती किनारे किनारे, और इसका भी वन वन स्लाइस दोनों का ऐसे किनारे किनारे लगा देती हूँ। फिर उसके बाद ये ऐसे वन पीस, टू पीस, थ्री पीस, बस थ्री पीस, ठीक है। तो मैं बंधा डाल दी उसमें, बंधा दे देखो इसमें ऊपर ऊपर, इतने बड़े बड़े थोड़ी ना पड़ते हैं। अरे मैंने डाल दिया, वैसे भी अच्छा लगेगा फिर इसमें। और अब मैं टेढ़ा थोड़ा इसको,
ये तो ये देखिए मैं वॉच भी पहनी अपनी, और ये बन गया मेरा बर्गर है। कैसे बना? तो ये इसको ऐसे रख दिया, ब्रश कर सब्जी है ले ली, और ये देखो ये मैंने ये बर्गर का ये वाला बंद कर दिया प्लीज। और इधर दूध मैंने चढ़ा दिया है पकने के लिए, और खाना मेरा बन गया है। ये देख लीजिए मैंने बनाया चावल, दाल और रोटियाँ मैंने बना ली हैं, आप लोग भी खा लीजिए आके। फ्रेंड्स अभी बजे हुए हैं रात के 8, तो अभी मैंने खाना वाना खा लिया है, पूरा खाना खा के सारा काम हो गया है, फ्री हो गए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर दे और कुछ बता दे कि कल भैया की तबीयत ख़राब थी तो आज लेकिन बिल्कुल सही है, मतलब ठीक हो गया है। दवा लेके आए थे वो दवा खाई, बस बिल्कुल एकदम ठीक हो गया है। अभी तो फिलहाल एकदम नॉर्मल है और खेल रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों से बता दे क्योंकि आप सारे लोगों ने कमेंट में बताया था कि बाबू ठीक हो जाए, तो वो एकदम ठीक है। और फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर करते हैं, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स ओमिक्रॉन कोरोना बहुत सारे वायरस, आप लोग उनसे बच के रहिएगा, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फिर मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।